कैसे करें डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। बात करने वाले हैं कि आप अपना नेट का एग्ज़ाम या फिर ऐसा कह सकते हैं कि प्रश्न पत्र जो है वो डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम देकर के आए हैं आप उसका, और अपने आंसर की के साथ में बिल्कुल जो आपने नेट का एग्ज़ाम दिया था ऑनलाइन, जो वो पेपर हुआ था हमारा, उसके अंदर जो आप आसानी से कैसे अपना प्रश्न पत्र जो है वो और आंसर की के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, आज इस वीडियो में आपको बिल्कुल इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो वो आपको बता दें, एनटी नेट का क्वेश्चन पेपर जो वो आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, और इसको डाउनलोड करने का तरीका पूरा बता देते हैं आपको। सबसे पहले जिस वेबसाइट पर विजिट करना है वो है NTANET। आपको जो जाना है NTANET.NIC.in पर, मैं सीधा जो वो चला जाता हूँ। आप इसको सर्च जो वो गूगल में भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको दिखाया गया यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड रिस्पॉन्सेज, तो आप जो है इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने जो पूछा जाता है, वन सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। और अभी सेशन जो है एक्सपायर हो चुका है, और यहाँ पर जैसे आप जो इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपसे पूछा जाता है आपके यूज़र नेम और पासवर्ड के बारे में। मैं आपसे दिखाता हूँ दूसरे ब्राउज़र में खोल करके, यहाँ पर जो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही होगी। तो यहाँ पर NTANET की जो वेबसाइट है उस पर जाते हैं आप, यहाँ पर करते हैं डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर एंड रिस्पॉन्सेज। तो वहाँ पर जो आपसे लॉगिन करने के लिए कहा जाता है, तो लॉगिन के अंदर आपको क्या करना है, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं वो वाला एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ जो भी हो आपकी वो एंटर करनी है यहाँ पर। वन सेकेंड मैं एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पर जो वो एंटर करने के बाद आपको ये वाला कोड जो दोबारा से एंटर करना होगा, जो दिख रहा है बिल्कुल वैसा का वैसा, और उसके बाद क्लिक कर देना है सबमिट पर। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने जो ये वेबसाइट ओपन हो जाती है, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब कुछ लॉगिन करके दिखा दिया जाता है, और यहाँ पर कहा जाता है कि प्लीज़ क्लिक हेयर फॉर डिस्प्ले योर क्वेश्चन पेपर एंड योर रिस्पॉन्सेज। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी, और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं आपका एग्ज़ाम कब हुआ था, क्या समय था उसका, और आपको कौन से क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर जो पेपर में जो वो क्वेश्चन दिए गए थे वो सारे डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपने ऑप्शन कौन सा चूज़ किया था, और वहाँ पर जो आपको पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर ये ऑप्शंस क्या क्या थे, आपको पूरे जो है वो नीचे की तरफ जैसे जाते जाएंगे आप, आपको पूरी डिटेल्स जो वो यहाँ पर मिलते जाएगी। तो इस तरीके से आसानी से जो वो आप ढूंढ सकते हैं कि आपका जो वो UGC नेट का जो वो क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट जो वो क्या थी, क्या उसका जो वो आपको जानकारी इसके बारे में टोटल मिल जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग जान पाए कि कैसे जो वो आप लोग नेट का एग्जाम का आंसर की और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे तो जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको फ्री में हमेशा मिलती रहे। बने रहे हमारे साथ, सीखते रहिए कैसे करें।